और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। आज आपको बता दें, दीपोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। शोभा यात्रा निकालने से लेकर रामलीला का मंचन भी होगा और साथ ही साथ रामपथ से लेकर अयोध्या के घाटों को भव्य तरीके से सजाया गया है। दीपोत्सव का एक बड़ा रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है। 25 लाख से ज्यादा दिए दीपोत्सव में प्रज्वलित किए जाएंगे और ऐसे में रामनगरी में किस प्रकार त्रेता युग की झलक वाली दिवाली देखने को मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में होंगे। सरयू तट पर रोजाना आरती की जाती है, लेकिन आज आरती बेहद खास होगी। 11 धर्माचार्य इस आरती को करवाएंगे, जिसकी रिहर्सल भी की गई है। एक बड़ा ड्रोन शो भी होगा, जिसमें श्री राम और उनके जीवन से संबंधित रोशनी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से आकृतियां आसमान में उकेरी जाएंगी, दिखाई देंगी। तो अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली, और उससे पहले अयोध्या में अब तक क्या विकास कार्य हुआ है और राम कथा से संबंधित कौन कौन सी जगहों पर विकास किया गया है, किस प्रकार श्री राम की स्मृतियां, उनकी सीखों को अयोध्या में उकेरा गया है, उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह रामायण के अलग अलग दृश्य, अलग अलग खंड तस्वीरों के माध्यम से पूरी रामायण की कहानी कहते हैं। अलग अलग पर्वों को दिखाया गया है और सबका अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो राम की पैड़ी पर बनेगा आज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में त्रेता युग वाली झलक देखने को मिलेगी दिवाली की। 25 लाख से ज्यादा दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने कड़ी मेहनत के बाद इन दीपों को सुंदर रंगोली के रूप में राम की पैड़ी पर सजाया है, जिनमें बाती और तेल रखने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। अब उनको प्रज्वलित किया जाना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने रामकथा से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। निमिष गोस्वामी से इस पर अपडेट लेते हैं। निमिष, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास प्रदर्शनी को देख करके निकल रहे हैं, अब यहां से आगे किस तरह के कार्यक्रम? आप तक आवाज पहुंच रही है निमिष मेरी? जी क्या अपडेट निमिष, इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, अब कुछ ही देर में रामकथा पार्क पर पहुंच गए, जहां पर स्वागत हो चुका है और मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ पर राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें भगवान राम, माँ सीता और रावण जी अयोध्या पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत होगा और मुख्यमंत्री की अगवानी के साथ उनका राम राज्याभिषेक होगा, जिसके बाद फिर राम कथा पार्क से सभी लोग दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी जाएंगे, जहाँ पर बाकायदा 1100 वैदिक घटकों के साथ, महिला शक्ति के साथ मुख्यमंत्री सरयू की आरती करेंगे और ये नया कीर्तिमान होगा वहाँ आरती का, जो सरयू की इतनी बड़ी संख्या में आरती की जाएगी। इसके बाद फिर दीपोत्सव स्थल पर ही दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम होगा। 28 लाख दीपक लगभग बिछाए जा चुके हैं, जिसमें तेल और बाती डालने का काम भी पूरा हो चुका है। जैसे ही सरयू की महाआरती होगी और उसके बाद फिर 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर एक और रिकॉर्ड बनाने का प्रयास अवध विश्वविद्यालय के 30,000 छात्र करेंगे। इसके बाद से फिर शुरू हो जाएगा अयोध्या के जो विश्व के मानचित्र पर अयोध्या की जो पहचान है वो दिखेगी। अयोध्या में ड्रोन शो, लेजर शो, आतिशबाजी और विदेशी रामलीला का मंचन बृहद स्तर पर होगा। मुख्यमंत्री आज देर रात अयोध्या में रामलीला का मंचन भी देखेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, कल सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे और फिर संतों से मुलाकात का अशोकपुरम में करेंगे और उसके बाद फिर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो किस इस तरीके है, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी का आगमन होने वाला है और इसके बाद राम राज्याभिषेक के कार्यक्रम से दीपोत्सव के कार्यक्रम की जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। जी
बिल्कुल, और दीपोत्सव का कार्यक्रम फिर उसी तरह से आगे बढ़ेगा और पूरी अयोध्या को इस वक्त सजा लिया गया है। निमिष, यहाँ पर सिर्फ घाटों की बात नहीं है बल्कि वहां के विशेष चौराहे, सड़कें, सभी जगह पर वॉलंटियर्स ने खूबसूरत सजावट की है। त्रेता युग वाली झलक किस तरह देखने को मिलेगी दीपोत्सव पर? देखिए, 35 लाख से ज्यादा दीपक पूरे अयोध्या में जलाया जा रहा है। अयोध्या का कोई भी चौक, चौराहा, मठ, मंदिर कुछ ऐसा नजारा होगा जब भगवान राम लला लंका विजय होकर के अयोध्या लौटे थे, वही नजारा भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद आज अयोध्या में है। अयोध्या त्रेता की अयोध्या के रूप में सज कर सवर कर दुल्हन की तरीके तैयार है, अपने आराध्य का स्वागत कर रही है और अयोध्या वासी अपने आराध्य के भव्य मंदिर विराजमान होने का उत्सव आज दीपोत्सव के जरिए मना रहे हैं। अयोध्या की गलियां, अयोध्या के मठ मंदिर, अयोध्या आज जगमग करेगी और 35 लाख से ज्यादा दीपक संपूर्ण अयोध्या में जलाए जाएंगे। फिर चाहे वो प्राचीन कुंड हो, अयोध्या के सभी मठ मंदिर हो, गृहस्थ हो, आम हो, खास हो, हर कोई इस दीपोत्सव को अपने घर, अपने प्रतिष्ठान, चौक, चौराहे पर मना रहा है और इसको मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। अयोध्यावासी ही नहीं, राज्य का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर आपको विदेश से भी बीजेपी की टीम ने सुबह बात की थी, नेपाल, तमाम जो और राज्य है, विदेश के भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और रामलला के दर्शन पूजन के बाद रामलला के दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो आज का जो महोत्सव है वो रामलला के समर्पित है। त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना जिसने भी देखी हो उसको तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी ही रही होगी जैसी आज दिख रही है। आज हर कोई राम में दिख रहा है, राम के लिए दिख रहा है और राम के स्वागत में दिख रहा है। बिल्कुल, तो श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है अयोध्या भी। और इस वक्त अयोध्या पर सिर्फ अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में जो राम भक्त हैं उनकी निगाहें हैं, क्योंकि ये दिवाली निमिष बेहद खास है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 वर्ष बाद ऐसी दिवाली आ रही है, क्योंकि अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद रामलला, आज उनकी पहली दिवाली है। तो ऐसे में राम मंदिर में क्या खास तैयारियां हैं? ठीक है, राम मंदिर की बात किया जाए तो राम मंदिर में शुद्ध देसी गाय के लगभग 2 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे जो गोबर से निर्मित किए गए हैं। उसके अलावा चौरंगी दीपक हैं, मोम है और सब कुछ इस तरीके से तैयारी की गई है कि मंदिर की भव्यता को चार चांद भी दे, भगवान के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को उसका आनंद भी मिले और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है इस बात का महोत्सव भी दिखे। तो फिलहाल राम मंदिर के परिसर को भी सजाया संवारा गया है, राम मंदिर सच कर तैयार है, खूबसूरत लाइटिंग, तोरण द्वार, जगह जगह भगवान के दर्शन पथ पर श्रद्धालुओं के लिए सजाई गई रंगोली, दीपोत्सव के आभास के साथ रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने का जो उत्सव है इस उत्सव को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, बता रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या में रौनक लगी हुई है। राम मंदिर के अंदर विशेष तैयारियां हैं, पूरी अयोध्या नगरी में विशेष तैयारियां हैं और राम मंदिर में तो आप बता रहे हैं कि गाय के गोबर से बने हुए 2 लाख से ज्यादा दिए वहां पर जलाए जाएंगे और साथ ही रामलला को लेकर भी सबके अंदर एक उत्सुकता है निमिष, कि आज उनकी पोशाक कैसी होगी, उनका श्रृंगार कैसे होगा, वहां किस तरह की दिव्यता नजर आएगी? देखिए, आज बुधवार का दिन है और आज का दिन भगवान के विशेष पोशाक का होता है। आज भगवान हरे रंग की पोशाक पहनते हैं क्योंकि आज दीपोत्सव है। ऐसे में और जो भगवान के ड्रेस डिजाइनर हैं मनीष त्रिपाठी, उनके द्वारा शुद्ध खादी और महीन तारों से बनाए हुए भगवान के वस्त्र हैं, जो भगवान के वस्त्र आज भगवान ने धारण किए हैं। भगवान को दीपोत्सव के लिए अलग वस्त्र भेंट की गई थी, वही वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं और इसके साथ ही तैयारियां विश्व के स्तर की जो है जो अयोध्या में दिख रही हैं। अयोध्या में आज ड्रोन शो पहला मौका होगा जब 500 ड्रोन शो होगा, तो महंत राम की पैड़ी पर नहीं, अयोध्या के आकाश में भगवान के प्रसंगों पर, सनातन संस्कृत के चिन्हों पर एक अलग आकृति भी छेड़ेगी, वो भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। देश और दुनिया की निगाहें आज अयोध्या पे है और अयोध्या वाले इस उत्सव को बाहें खोल कर मना रहे हैं। अयोध्या अपने आराध्य का स्वागत कर रही है। अयोध्या की महज राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की किस्मत और कीमत दोनों बदल गई। अयोध्या जो पिछले दिनों उपेक्षित थी, आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर है। अयोध्या में आज वो वैभव है जिसको देश और दुनिया के राम भक्त खींचे चले आ रहे हैं, जो देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं कि ये रामलला की देन है, राम मंदिर की देन है
और ऐसे में जब दीपोत्सव अयोध्या मना रहा हो, अपने आराध्य का उत्सव मना रहा हो, तो क्षण को हर कोई साक्षी होना चाहता। अयोध्या राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के चौक चौराहे राम मंदिर के तर्ज पर ही सजाए गए हैं। कहीं फूलों से सजावट है, कहीं रंगोली है, कहीं मठ मंदिरों में खूबसूरत तो पुष्प वर्षा पुष्पों की सजावट है। और इसके साथ ही जब राम बारात अयोध्या निकली तो अयोध्या वासियों ने दिल खोल करके अपने राम के बारात पर भी शोभा यात्रा पर भी वर्षा की है। बिल्कुल, पुष्प वर्षा की है। राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी को देखा है और इस प्रदर्शनी में पूरी तरह से चित्रण के माध्यम से पूरी रामायण को कहा गया है और साथ ही साथ अयोध्या में विकास कार्य कहां तक पहुंचे उसका भी यहां पर एक तरीके से चित्रों के माध्यम से उनके मैप्स और उनका डेवलपमेंट स्टेटस लगाया गया था, उस सब पर भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की अधिकारियों से। तो आपको तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अभी रामकथा पार्क से प्रदर्शनी देख करके निकले हैं और कैसे वहां राम पथ पर शोभा यात्रा निकल रही है, चौक चौराहे सजे हुए हैं, वो आप देख रहे हैं। और आप मध्य में तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर दीपोत्सव के मद्देनजर जगह जगह पर झांकियां लगाई गई हैं, भव्य चित्रण किया गया है, श्री राम का दरबार, उनका श्रृंगार, इस तरह की जो भव्यता है वो जगह जगह पंडालों के माध्यम से आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। सड़कों पर पुष्प की रंगोलियां बनी हैं, रंगों से आकृतियां उकेरी गई हैं। कुल मिलाकर रंग, प्रकाश और अध्यात्म और साथ ही साथ लोगों का हर्ष उल्लास, उसका चरम आज देखने को मिल रहा है। कहीं राम कथा का मंचन किया जा रहा है, कहीं राम कथा कही जा रही है, उसको सुनने के लिए लोग अयोध्या में हैं। तो पूरी तरीके से जो अयोध्या नगरी है वो राममय नजर आ रही है। निमिष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निमिष, राम मंदिर में भव्य सजावट है, रामलला का श्रृंगार खास है, तो अयोध्या के चौक चौराहे सजे हुए हैं। ऐसे में अयोध्या वासियों की जो भावनाएं हैं वो चरम पर होंगी। लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आज सरयू घाट पर बहुत भीड़ होगी, रोजमर्रा से आरती किस तरह अलग है, ड्रोन शो भी दिखाया जाएगा। देखिए, लोगों में उत्सुकता आराध्य के दर्शन को लेकर हमेशा बनी है और जब 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद उनके महल में वो विराजमान हुए हैं तो उत्सुकता को, शब्दों को सिरो पाना मुश्किल है। ये एक ऐसा उत्सव है जिसको लेकर के लोग उत्साहित हैं और लोगों की भावना की बात की जाए तो लोग भाव विभोर हैं। कहीं पर भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने का उत्सव है तो कहीं भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव, उसको भी खास बनाने की जिद है। मठ मंदिरों से लेकर चौक चौराहों तक सड़क सज्जा है और जिस तरीके अयोध्या वासियों ने अपने आराध्य का स्वागत किया है उसको ये कहा जा सकता है कि आज भगवान स्वयं अयोध्या आएंगे, स्वयं इस उत्सव को अपने आंखों से निहारेंगे। तो फिर जब भगवान के आगमन की तैयारी हो तो फिर जाहिर सी बात है कि आमजन क्या है, आज अगर प्रतिबंध हटा लिया जाए तो अयोध्या की सड़कें खोल दी जाए तो आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अयोध्या में एक ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। प्रतिबंध है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, तमाम राम बारात और शोभा यात्रा की उसको लेकर के तमाम प्रोटोकॉल है, तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से थोड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन लोगों की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। लोग अपनी गाड़ी, अपने वाहन पार्किंग पर लगा करके वहां से पैदल आ रहे हैं और ये भी दिख रहा है हालांकि राम की विशिष्ट जन क्योंकि सीमित जगह है और करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन सभी मेहमानों को बाकायदा जो निमंत्रण पत्र है वो भेजा गया था तो जिनको शामिल होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब ये उत्सव हो जाएगा, दिल प्रज्वलित हो जाएगा और वीवीआईपीओ का मूवमेंट अलग होगा तो राम की तैयारी आम जन के लिए खोली जाएगी। आम जन अपने